नमस्कार दोस्तों, मैं जेकी साकला स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे फाउंडेशन के ऊपर। बिल्डिंग के अंदर फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है और कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में क्या होता है दोस्तों, अपना स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि पूरा मकान जो बना हुआ था उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं अपन, सुपर स्ट्रक्चर तो अपने प्लिंथ लेवल, यानी कि नीचे का फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है उसके ऊपर जो ऊपर का पार्ट बनता है मकान का उसको अपन बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो लोड बियर करता है उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अपन सब स्ट्रक्चर देखते हैं कि द सब स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि ऊपर का जो लोड होता है, छत का लोड, बीम कॉलम, ऊपर के बीम और कॉलम का लोड, अपन रहते हैं, कुछ भी सामान रखते हैं, अलमारी वगैरह रखते हैं, बेड का लोड, सारे जो लोड आते हैं वो लोड सब स्ट्रक्चर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। द सब स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द अंडरलाइंग सोइल, सोइल जो रहता है नीचे की उसके ऊपर, एंड इस टाइम इज फाउंडेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं फाउंडेशन। और फुटिंग इज दैट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन विच अल्टीमेटली डिलीवर द लोड टू द सोइल, फुटिंग सबसे नीचे रहती है, ठीक है, इस तरफ देखिए, ये अपनी रहती है फुटिंग, ठीक है। यहाँ पर वापिल अपनी मिट्टी फिल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में अर्थ फिल कर देते हैं, और ये इसको खोद के अपन यहाँ पर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट यानी PCC डालते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉन्क्रीट डालते हैं, ठीक है, जाली वाली लगा के कॉलम डाल के ये कॉलम बनाते हैं, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर। और इससे ऊपर का जो प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ लेवल हो जाएगा अपना यहाँ तक, ठीक है, ये प्लिंथ लेवल, ठीक है। इसके ऊपर फिर आता है अपना सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ कॉलम खड़ा हो जाएगा। अब इस कॉलम के ऊपर, इस प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी रहेगा वो अपना सुपर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर ये, ठीक है। और इससे नीचे का जो रहेगा प्लिंथ लेवल के नीचे का, वो सब स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो फुटिंग क्या, सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, फाउंडेशन है ना, इसी को फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि जो सुपर स्ट्रक्चर रहता है और स्ट्रक्चर रहता है उसका पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सोइल के ऊपर, ठीक है, जो अपन गड्ढा खोद के जो सोइल रहती है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रोवाइड लेवल्ड एंड हार्ड सरफेस, क्या करती है फुटिंग से, क्या होता है फाउंडेशन से लेवल, एक पूरे घर का लेवल हो जाता है कि अपना घर किसी भी चीज़ से, जैसे कि किसी भी फोर्स से, मान लो हवा का फोर्स हो या रेन वगैरह आती है तो उससे डिस्टर्ब ना हो अपना घर, ठीक है। इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, अपने घर की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट, यानी कि इधर उधर खसकना घर का वो नहीं हो पाता, कैसे, फाउंडेशन से, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, एक तो होता है डीप फाउंडेशन, दूसरा होता है शैलो फाउंडेशन, ठीक है। डीप फाउंडेशन क्या होता है, जैसे कि फाउंडेशन की जो गहराई रहती है, अगर विथ जो रहती है फाउंडेशन की, विथ चौड़ाई रह रही है, चौड़ाई और डेप्थ यानी कि गहराई, चौड़ाई और गहराई बराबर है, या फिर फाउंडेशन की जो चौड़ाई है उससे कम डेप्थ है, तो वो होता है अपना शैलो फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन क्या होता है, गहराई ज़्यादा हो और विथ कम हो, उसको अपन बोलते हैं डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि फाउंडेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से छोटे वीडियो और सरल तरीके से अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी समझना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस प्रकार के वीडियो जानना चाहते हैं। धन्यवाद।